हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। कत्ल केस में हकीकत टीवी ने सबसे पहले जो डार्क डीप वेब पोर्न इंडस्ट्री पर वीडियो बनाई, इस पर डॉक्टर शाहिद मसूद ने प्रोग्राम किया और आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने इस पर नोटिस लेकर तहकीकात शुरू कर दी। करोड़ों रुपए देकर ये काम करवाया जाता है। ये लोग राह चलते बच्चियों का रेप नहीं करते न कत्ल करते हैं। ये लोग किसी भी तरह पहले जिस बच्ची का रेप या कत्ल करना होता है इसकी प्लानिंग करते हैं। इन बच्चियों का इंतखाब करते हैं जो इनके या तो रिश्तेदार में होती है या महलों में जिनसे जान पहचान हो सके किसी भी तरह। फिर ये लोग इनकी तस्वीर उतार कर इंटरनेशनल पोर्न डार्क इंडस्ट्री के लोगों तक पहुंचाते हैं। मिसाल ले लें, अगर किसी ने दो बच्चियों की तस्वीर आगे भेजी तो वो गैंग इतला करता है एजेंट को कि किस बच्ची का रेप करना है और ये रेट मिलेगा। जो जितनी इनको पसंद आती है इस हिसाब से इसका रेट निकलता है। इसके बाद एजेंट सारी मालूमात वक्त का तयन करता है। मिसाल के तौर पर एक बच्ची के रेप का वक्त इंग्लैंड के वक्त के मुताबिक रात 8 बजे है और पाकिस्तान में इस वक्त किसी को अगवा करना या रेप करना मुश्किल होता है, तो एजेंट बच्ची को पहले ही अगवा कर लेता है या फिर अगवा करने के बाद इसका वक्त आगे दे दिया जाता है। अब डार्क वेब इंडस्ट्री पर जो जुनूनी पागल लोग रजिस्टर्ड होते हैं इन तक तस्वीर पहुंचाकर नोटिफिकेशन दिया जाता है।